हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर ने छात्रों के भविष्य की चिंता करते हुए कोरोना काल में अहम निर्णय लिए हैं। पत्रकार वार्ता के दौरान हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर के वाइस चांसलर प्रोफेसर एसपी बंसल ने कहा कि पहले ऑफलाइन एडमिशन होती थी, लेकिन अब ऑनलाइन एडमिशन की जाएगी और इस बार एडमिशन प्रक्रिया के लिए कोरोना काल में एडमिशन मेरिट के आधार पर की जाएगी। वहीं उन्होंने महामहिम राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के द्वारा विश्वविद्यालय को बेहतर कार्य करने के लिए प्रशंसा पत्र दिया गया है, जिसके लिए बंसल ने महामहिम राज्यपाल का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने बताया कि आखिरी सत्र की परीक्षा 1 जुलाई से 15 जुलाई तक होगी और बीटेक अंतिम सेमेस्टर का परिणाम 30 जून को घोषित किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर के वाइस चांसलर प्रोफेसर एसपी बंसल ने कहा कि पहले ऑफलाइन एडमिशन होती थी, लेकिन अब ऑनलाइन एडमिशन की जाएगी और इस बार एडमिशन प्रक्रिया के लिए कोरोना काल में एडमिशन मेरिट के आधार पर की जाएगी। हमने न्यू नॉर्मल में, क्योंकि पैराडाइम शिफ्टिंग की बात करनी होगी, उसी पैराडाइम शिफ्टिंग को ध्यान में रखते हुए हमने इस बार, पहले ऑफलाइन एडमिशन होती थी, यहाँ 1 महीना हमारे एडमिशन चलती थी, अब सारा हमने कन्वर्ट कर दिया, ऑनलाइन एडमिशन में कन्वर्ट कर दिया है। हमारी सारी एडमिशन ऑनलाइन हो रही है। जहाँ पहले हमारे एंट्रेंस के द्वारा होती थी, हमने देखा कि एंट्रेंस के लिए इस बार हमने एक एजेंसी भी हायर कर ली थी, लेकिन हमने देखा कि एजेंसी अगर हम हायर करते हैं, कंप्यूटर कम से कम 40 सेंटर हमारे को बनाने पड़ रहे थे, तो इस कोरोना काल में हमें देखा कि ये एडवाइजेबल नहीं है, तो हमने सारा का सारी एडमिशन हम इस बार मेरिट पे कर रहे हैं। प्रोफेसर एसपी बंसल ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर को एमटेक कंप्यूटर साइंस विषय के लिए एआईसीटीई द्वारा संबद्धता प्रदान की गई है। एआईसीटीई से मात्र 2 सालों के भीतर एमटेक कंप्यूटर साइंस विषय में संबद्धता मिलने से जहां एक ओर विद्यार्थियों को रोजगार प्राप्त करने में मदद मिलेगी, वहीं दूसरी ओर उन्हें उद्योग जगत द्वारा अच्छे पैकेज दिए जाने की संभावना में वृद्धि हुई है। हमारे लिए बड़ी हर्ष की बात है कि अभी गत वर्ष हमने एमटेक स्टार्ट किया था। इंफ्रास्ट्रक्चर अभी डेवलपिंग स्टेज पे है, उसके बावजूद एआईसीटी की तरफ से हमें एफिलिएशन मिली है एमटेक के लिए, तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और एमटेक एआईसीटी से रिकवर होने का मतलब ये है कि हमारा एम्प्लॉयमेंट के प्रोस्पेक्टस बढ़ेंगे विद्यार्थियों के, और अच्छे विद्यार्थी जो है वो एमटेक करने हमारे पास आएंगे। उन्होंने बताया कि कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों को सुविधा देने को विश्वविद्यालय ने अपने अकेडमिक कैलेंडर में संशोधन किया है। सत्र के अंत में होने वाले प्रयोगात्मक कार्य को 22 जून से लेकर 10 जुलाई तक कर दिया गया है, जबकि परीक्षा फॉर्म भरने की तारीख को बढ़ाकर 25 जून कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि आखिरी सत्र की परीक्षा 1 जुलाई के स्थान पर 15 जुलाई को होगी। बीटेक अंतिम वर्ष की परीक्षा के परिणाम 30 जून तक घोषित कर दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय ने 6ठे सेमेस्टर के विद्यार्थियों को इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए 3 ऑप्शन दे दिए हैं। प्रथम वे छात्र जो औद्योगिक इकाई के आसपास के हैं, वे वहाँ ट्रेनिंग कर सकते हैं। हमारी चिंता ज़्यादा टर्मिनल सेमेस्टर्स को लेकर के है, इंटरमीडिएट के लिए हमारी अभी बहुत चिंता नहीं है, क्योंकि समय है हमारे पास। उनको तो हम एनुअल में भी कन्वर्ट कर देंगे, उनके एग्जाम हम जो है साथ भी ले लेंगे, तब भी चल पड़ेगा। हाँ, टर्मिनल सेमेस्टर्स के लिए बीटेक का रिजल्ट हम निकालने जा रहे हैं, हमारी पूरी व्यवस्था हो गई है। हमने उनके लिए ऑनलाइन जो ट्रेनिंग थी वो भी कंप्लीट करवा दी है, ऑनलाइन रिपोर्ट भी इवेल्युएट करवा दी है, उनकी असेसमेंट भी आ गई है। 30 जून से पहले पहले हम उनका रिजल्ट भी निकाल देंगे। मुझे लगता है कि इतनी जल्दी रिजल्ट तो हमारा पहले जब नॉर्मल में भी नहीं निकलता था, तो न्यू नॉर्मल में हम उनका रिजल्ट 30 जून तक दे देंगे। तो क्योंकि कई विद्यार्थी जो बाहर अप्लाई करना चाहते हैं, जो फॉरन जाना चाहते हैं कहीं पर, उनको कोई कठिनाई ना हो। और जो बाकी हमारे विषय बचे हैं, फार्मेसी है, आर्किटेक्ट है, MBA है, MCA है, BBA है, इनके एग्ज़ाम जो है, क्योंकि एग्ज़ाम तो कराने ही पड़ेंगे, तो अभी सिचुएशन इम्प्रूव होने की मैं वेट कर रहा हूँ। तो सोशल डिस्टेंसिंग से अभी हमने लिखकर भी दिया है, गवर्नमेंट ने भी अलाउ किया है। तो पहले हमने जुलाई के 1st वीक में रखा था, लेकिन उसको पोस्टपोन करके अब हम 2nd हाफ ऑफ जुलाई में ये एग्ज़ाम करवा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सोशल डिस्टेंसिंग के जो एग्ज़ाम हमारे 34 डेज में चलते थे, अब हमने 3 घंटे के बजाय 2 घंटे का एग्ज़ाम करवाएंगे, और 1 दिन में हम 2 एग्ज़ाम करवाएंगे, यानी कि 2-2 घंटे के। तो हमने नंबर ऑफ डेज रिड्यूस कर दिए, 9 दिन में पूरे एग्जाम खत्म हो रहे हैं हमारे, और एक विद्यार्थी को हम ये हिसाब लगा रहे थे तीन दिन मैक्सिमम आना पड़ रहा है एग्ज़ाम देने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग से। लेकिन ये सिचुएशन मैं फिर बोल रहा हूँ कि न्यू नॉर्मल में एक हमारा पैराडाइम शिफ्ट जो हमें लेना पड़ा, लेकिन फिर भी कोई अगर कठिनाई आती है
उनकी डिग्री तो हमें कंप्लीट करवानी करवानी है। अगर मान लो कुछ सिचुएशन और वर्स्ट होती है तो फिर हम उनका ऑनलाइन एग्जामिनेशन की व्यवस्था भी हमारे पास है, फिर हम उनका ऑनलाइन करवाएंगे, लेकिन उनकी डिग्री हम कंप्लीट करवाएंगे टाइमली। उन्होंने महामहिम राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के द्वारा विश्वविद्यालय को बेहतर कार्य करने के लिए प्रशंसा पत्र दिया गया है, जिसके लिए बंसल ने महामहिम राज्यपाल का आभार व्यक्त किया है। मैं धन्यवाद करता हूँ, गवर्नर साहब ने हमारा काम रिकॉग्नाइज किया, विश्वविद्यालय का काम रिकॉग्नाइज किया, उन्होंने अप्रिसिएशन लेटर दिया है, मैं उनका दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारा काम को रिकॉग्नाइज किया। स्टूडेंट्स को प्रमोट, जहाँ तक है प्रमोट का मैं शब्द इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, हम ऐसे प्रमोट नहीं कर रहे हैं बिना एग्जाम के, उनके एग्जाम होंगे होंगे, वही जो जितने पैरामीटर्स वो सब लगेंगे, ये फॉर द टाइमिंग हम उनको अगले सेमेस्टर की पढ़ाई शुरू कर देंगे, असल में प्रमोशन तो उनके तभी होगी जब वो एग्जाम क्लियर करेंगे, लेकिन हम अगले सेमेस्टर में उनको अभी हम टेम्परेली प्रमोट करेंगे ताकि उनकी क्लासेज जो हैं आगे ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी हमारा डिसीजन होगा उसके मुताबिक उनकी क्लासेज चल पड़े, उनका टाइम वेस्टेज ना हो।